चक्रोहान श्रीयाता मदीना प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सूरज राय जी, डबलू सिंह, राजू सिंह, पिंटू बाबा, कृष्णा सिंह, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो लोग इस मुकाबले के साथ जुड़ रहे हैं। बन्ने भाई कमेंट्री बॉक्स पर जरा सा आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। पहला सेट फैजाबाद हॉस्टल के जेवर में रहा। फैसल जो पहला सेट हुआ है इसके बारे में आपने लिखा है कि नहीं लिखा है? बहुत शुक्रिया आसन भाई, माधव इस टूर्नामेंट के साथ लगातार मैं दिख रहा हूं कि मुंब्रा स्पोर्ट क्लब मुंब्रा जनाब महबूब शेख उर्फ मामा लगातार मुंबई से मुकाबला लाइव दिख रहे हैं। भाई दानिश भाई बदर का जहां भी हूं जरा कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। साउंड वाले, साउंड वाले मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहां पहुंची जाएगी। सर्विस, हल्की सर्विस संभाला और फिर यहां पे कुश्ती। इस मुकाबले के साथ जितने भी लोग देश प्रदेश से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। खिलाड़ियों के लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए और फिर यहां पे 17 नंबर आदित्य राणा। भाई खिलाड़ी बहुत प्यासे हैं, पानी का इंतजाम कर दिया जाए। बाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, गगन ने इस बात का पैगाम दिया। आज के स्कोर की तरफ आया जाए तो दो बराबर का स्कोर अल रुकान ट्राइबल्स मुंबई इस मुकाबले के साथ लगातार जुड़े हैं। हाजी कमरुद्दीन साहब जो कि मुंब्रा से लगातार जब मुकाबला अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं लाइव के जरिए, अल रुकान ट्राइबल्स मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हाजी कमरुद्दीन साहब अल रुकान ट्रेवल्स जिन्होंने बहुत प्यारी टीम बनाई थी मुंब्रा के दोनों मुकाबले में और अशरफपुर हिरायपुर के नाम से टीम बनी थी मुंब्रा में, टीम फाइनल तक पहुंची। खैर हाजी कमरुद्दीन साहब अल रुकान ट्रेवल्स का भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि लगातार इस मुकाबले की उम्मीदवार सुन रहे हैं लाइव के जरिए। शुक्रिया अल रुकान ट्रेवल्स। दो बराबर संभाल लिया गगन, अभी स्मैश भाई गगन। इसके बाद का मुकाबला बहुत बढ़िया मुकाबला है, इंडियन क्रिकेट सेंटर खोसी और आजमगढ़। यहां बाल सबली रविंदर प्रताप
लेकिन ऋषभ ने आंखों में आंखें डाल कर बात की है। हल्की सी सर्विस, और फिर उसके बाद 3-2, 3-2। और फिर उसके बाद अरे बोल खेलो साउंड ऑफ
ऑपरेटर कमेंट्री टेबल पर आ जाए। रविंदर प्रताप लेकिन इस मरतबा भी नाकामियों ने कदम चूमा रविंदर प्रताप का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लुकआउट व्यवस्था आपको मिल जाएगी। हज करना हो, उमरा करना हो या फ्लाइट का टिकट कराना हो तो आप अल रुकान ट्रैवल से संपर्क कर सकते हैं। हाजी कमरुल टीम साहब आपका शुक्रिया। हेलो हेलो, बहुत शुक्रिया साउंड ऑपरेटर। डिफेंडेड और फिर उसके बाद अगर स्कोर देखा जाए आठ टीम का, सूरज राय भी यहां पर मौजूद है, कत्तो खान और उनके अलावा पिंटू बाबा, कृष्णा सिंह, डब्लू सिंह, राजू सिंह। शुक्रिया सभी मेहमानों का। दर्शक जाने रहे, खाना खाने जा रहे हैं। देखिएगा ये देखिए इधर लगता है गरम गरम बिरयानी, खुशबू यहां तक आ गई। ये पूरा काफिला आउट चला गया, पूरा साफ हो गया उधर से। बहरहाल यहां पे छगन साद खान, शाहरुख खान, मशकूर खान, आमिर खान, नसर खान, फैसल खान, सलमान खान, सकाउल्ला खान, नदीम अध्यक्ष, अतीकुर रहमान भाई जी, समीउल्ला खान, सैफ खान, एस एस के स्टील, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ये केशव और ये विशु के लिए, और इस मरतबा विशु ने सर्विस को अपने नाम कर लिया। लवली है, अ ब्यूटिफुल स्मैश अटेम्प्टेड हियर बाय प्लेयर मुंबा स्पोर्ट क्लब। मुंबा लगातार इस मुकाबले को, मुंबा स्पोर्ट क्लब मुंबा की जो टीम को सजाया है महफूज शेख और पमा, टीम में बहुत बड़ा ताउन रहा है मुंबा स्पोर्ट क्लब मुंबा के लिए। शब्बीर खान, एसके वैली जिनका बहुत गहरा रिश्ता है फतेहपुर पाल लड़का से, उनके अलावा शाह दानिश बदर का, सुफियान भाई मिर्जापुर, मिर्जा आजम साहब मिर्जापुर और अरशद भाई हिंगाईपुर, वो सभी लोग डॉक्टर फारूक साहब और मंसूर शेख साहब, साकिब भाई, उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो मुंबा स्पोर्ट क्लब मुंबा के मेंबर हैं। मुंबा स्पोर्ट क्लब मुंबा का नाम महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर हर स्टेट में जहां जहां बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं वहां वहां मुंबा स्पोर्ट क्लब मुंबा की टीम मौजूद रहा करती है। 12 टीम एआर फैशन, यही मार्केट घोसी, अजमल खान, काशिफ खान, अहसन खान का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। विशु, केशव, उज्ज्वल और ये गगन, आज तो गगन ने बहुत कमाल मचाया है, बहुत कमाल मचाया है, बहुत कमाल कि जमाना देता है मुझको जमाल की धमकी, जमाना देता है मुझको जवाल की धमकी, न जाने कौन सा मुझने कमाल रखा है। मंतशा कंस्ट्रक्शन, अगर मुंबा स्पोर्ट क्लब मुंबा जीतेगी तो 1000 रुपए की नाम मंतशा कंस्ट्रक्शन मुंबा की तरफ से दिया जाएगा। नसरुद्दीन भाई, खुर्शीद खान,
मंतसा कंस्ट्रक्शन मुंब्रा के मालिक, मुंब्रा की टीम अगर जीतेगी 1000 रुपए के इनाम दिया जाएगा। अगला मुकाबला इंडियन गिफ्ट सेंटर और आजाद इंडियन आर्मी अरशद कला मसरतपुर, दोनों टीमें प्राउड बोलो। आ जाओ खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर आए। 12-4 नो कमेंट्स प्लीज। खिलाड़ी अपनी जगह पर आए। ऑल द प्लेयर टेक योर पोजीशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे साफ डिसीजन सही है, आउट रहा तो आउट है, एकदम बहुत साफ आउट है। मुकाबले की तरफ देखा जाए तो कक्को खान भी मुस्कुराते हुए मुकाबले में आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और कल जब ये कक्को खान का काफिला जब जमीन पर बैठकर मुकाबला दिखेगा तब और मजा आएगा दोस्तों। ये पूरा काफिला सफेद कपड़े में मलबूस फतेहपुर ताल लर्जा की धरती पर जमीन पर बैठकर मुकाबला देखते हैं। आने वाले लोगों के लिए कुर्सियां और दिल दोनों बिछा देते हैं। जाइए दिल पे भी है, कुर्सियों पर भी आप बैठ जाइए। दूर दराज से बनारस से लोग आने वाले हैं, बिहार के लोग कल आने वाले हैं, बुजुर्गा गाजीपुर का पूरा काफिला आने वाला है, उनके अलावा अम्बेडकर नगर से भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। उन सभी लोगों को खास तौर से मुलव किया गया है दोस्तों इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट के चाहने वाले लोग दूर दराज से कल इस टूर्नामेंट से जुड़ने वाले हैं। यही वो मकबूल मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट है जो की मरहूम सादुल्लाह खान की याद में सजाया गया है। पूर्वांचल का सबसे टॉप क्लास का मुकाबला वॉलीबॉल ए टू जेड आजमगढ़ यूट्यूब पर लाइव चलाया जा रहा है। उस पेज को आप लोग सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाएं तो आरपी स्पोर्ट्स यूपी 50 को फॉलो करें। और उसके अलावा दोस्त अगर यूट्यूब पर जाएं तो मुर्शिद वॉलीबॉल और अकरम वॉलीबॉल को देखें। इंस्टाग्राम पर जाएं तो अकरम वॉलीबॉल और मुर्शिद वॉलीबॉल पर जाएं, आरपी स्पोर्ट पर जाएं। उसके अलावा अगर दोस्त ये शायरी पसंद हो, मेरी कमेंट्री पसंद हो, मेरी आवाज सुननी हो तो कभी स्पीकर साकिब नौमानी ऑफिशियल चैनल पर भी विजिट करें। सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ वहां करने को मिलेगा। हल्का सा टैंक विशु जहरीला ड्रॉप विशु का फैसल, दरखास्त कर रहा हूं कि वो जो कॉपी है जिस पर हमारे नौजवानों के नाम है जरा वो कॉपी भी आ जाए। और पूरे टूर्नामेंट में आज के सभी मैचों की अगर बात की जाए तो ये दूसरा मैच होगा जो तीसरे सेट में पहुंचने वाला है। इससे पहले एक मैच और हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और इसकी भी यही उम्मीद लग रही है फिलहाल, क्योंकि अयोध्या की टीम ने पहला सेट जीत लिया था बड़ी आसानी के साथ, दूसरे में वो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। तो देखते हैं इस बार 14 पॉइंट के लिए सर्विस होगी है लेकिन नहीं बन पाया और सर्विस चेंज होकर 7-13 पे सर्विस ज्यादा कर देती है। तो इस तरह से सर ये मैसेज लगातार आ रहे हैं लोगों के, पूरा घाट के कुछ लोग आज हैं लेकिन कल पूरा घाट यहाँ पे आने वाला है, कल पूरा पूरा घाट यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए बहुत प्यारा और पूरा घाट के लोग लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि आज हमारे गांव के 2-4 लोग हैं, आज एक खानदान एक मोहल्ले से एक लोग आए हैं लेकिन कल जो है वो पूरा पूरा घाट यहाँ पर मौजूद होगा। और ये जो सामने का इलाका है ये यहाँ से लेकर वहां तक ऐसा लगेगा कि पूरा घाट वालों ने पूरे जमीन पर कब्जा किया है। और हमीरपुर वाले किस मोहल्ले में रहेंगे या तो मोहल्ला ही रहेगा
छिपे वालों का मोहल्ला ये रहेगा, पश्चिम मोहल्ला। खैर बड़ा मजा आएगा दोस्त, कल जब पूरा घाट पूरा मारूफ के लोग जुड़ेंगे, मुबारकपुर के लोग आएंगे, जहानागंज के लोग लुंगी और मुबारकपुर के लोग लुंगी पहन कर जब आएंगे और बड़ी सी मूंगफली की थैली लेकर मूंगफली लेकर बैठ जाएंगे, तब बहुत मजा आएगा। ये सारी कहानी आपको फतेहपुर ताल लहजा में मिलेंगी, एक से एक ड्रामे आप कल देखेंगे, ऐसे ऐसे योजनाओं को देखेंगे कि मजा ही आ जाएगा। और कल के सभी मैच 8 बजे के करीब शुरू होंगे, भाई सभी तमाशाइयों से मेरी गुजारिश है कि 8 बजे के करीब सभी अपनी हाजिरी दर्ज करें, बहुत ही जल्दी शुरू होने लगता है और शाम को जल्दी खत्म करने की पूरी पूरी उम्मीद है, जिससे कि ज्यादा वक्त आपका भी ना लगे और आपका एंटरटेनमेंट भी पूरा हो जाए। तो फिलहाल ये सर्विस होगी इधर से अयोध्या से 8-13 का स्कोर है। टूर एंड ट्रेवल्स हज उमरा सर्विस, अगर फैजाबाद हॉस्टल ये मुकाबला ये सेट अपने नाम करेगा, ये सेट अगर अपने नाम करेगा फैजाबाद हॉस्टल, तो फिर इस फैजाबाद हॉस्टल पर भी 500 रुपए के नाम लगने वाले हैं। ज्यारत टूर एंड ट्रेवल्स हज उमरा सर्विस गिरजागंज की तरफ से नॉर्मल सर्विस दीपक उज्ज्वल रविंदर प्रताप, इस खिलाड़ी से मैं बहुत मुतासर हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि 1 साल पहले ये खिलाड़ी मुझे मिला था तो इस तरह का गेम नहीं खेला करता था, नॉर्मल गेम खेला करता था, लेकिन आज प्राउड फील होता है कि 2 साल बाद इस खिलाड़ी को देख रहा हूं जो ऑल इंडिया वाली बॉल टूर्नामेंट में मध्य मुकाबले बड़ी बड़ी टीमों को आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। ये रविंदर प्रताप, उम्र अभी 19-20 साल के आसपास, 9 9 9 13 है, 4 की जरूरत है। अगर मुमरा की तरफ से दिलचस्पी और जिम्मेदारी ना दिखाई गई तो कहीं ऐसा ना हो कि 13-13 बराबर हो जाए और फिर ये अपने 15 पूरे करके 2-0 से जीत जाए, तो अभी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल चलिए भाई, अगर कोई काली चाय वाला यहां पर है तो जरा कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए, कुछ लोगों को सर्दी लग रही है, कुछ लोग काली चाय का इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। काली चाय वाला अगर कोई है तो काली चाय लेकर यहां आ जाए। भाई इस्लामपुरा के जो लोग पैदल जाने वाले हैं वो स्कूल के पीछे चले जाएं, इस्लामपुरा के लोग पैदल जा रहे हैं काफिले में जाएं, जाएं तो जाएं वरना फिर रात में अकेले जाएंगे धूप काट लेगा। नहीं फ्लाइट जाएगी यहाँ से इस्लामपुरा तक, फ्लाइट का इंतजाम हो रहा है, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट है, विशेष तौर से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बनाई गई है। सर सही में पैदल जाने वाले स्कूल के पीछे पहुंच जाए, इस्लामपुरा के लोग जा रहे हैं वरना फिर कोई बच्चा या कोई अगर अकेला छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। लवली सर्विस, फर्स्ट बॉल नजाकत फरामदाज कामयाब। देखिए कुछ लोग जा रहे हैं, शायद इस्लामपुरा के लोग हैं, चलिए कल आइएगा तब। वाह रुपेश लाजवाब बचाओ, चलिए 11-13 11 अगेंस्ट
साथी डिफेंडेड 13-11। इस मैच को लूज करने वाली टीम, इस मैच को हारने वाली टीम लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इसलिए ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच। अगर आखिरी चार टीमों में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं तो इस मैच में जीत दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमें एक एक मैच हारी हुई है। दोनों टीमों को एक एक 440 पॉइंट का झटका लगा हुआ है। पहले जो बिल्कुल जंपिंग सर्विस, लेकिन टाई लाइन से दूर उज्ज्वल और गगन अपना 100% इस खिलाड़ी ने आज दिया है। बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया इस खिलाड़ी ने। कक्कू खान साहब मसीना इलायस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक बन्ने खान साहब, उनके अलावा सत्तू भाई, जफरुल्ला खान, सना खान, शराफत मलाना शराफत साहब और नासिर साहब और भी बहुत सारे लोग हैं। वो पूरी लिस्ट थी, जो लिस्ट यहां से गायब हो चुकी है। मैं चाह रहा हूं कि पैसल वो जो लिस्ट थी लीजेंड लोगों की, अगर याद हो नाम तो वो लिस्ट बना दें। जी बिल्कुल, 5 पॉइंट आगे थे ये लोग, लेकिन आखिर क्या हो गया, किसकी नजर लग गई बुमराह टीम को। लीजिए 12-13। भाई चाय वाले भाई काम शुरू कर रहे हैं। ये क्या हो गया एलाही, ये क्या माजरा हो गया कि दोनों तरफ का जंगल हरा हो गया 13-13। आइयो दादा फैल बवाल, दोनों टीमों का स्कोर आल इतिहादी जुबान में कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि किसी की नजर लग गई मुंब्रा स्पोर्ट क्लब मुंब्रा को। ये कैसी मोहब्बत है, कैसा करार है। अगर 14-14 बराबर हो गए तो मामला लीड बाई 2 में पहुंचेगा। दो पॉइंट लगातार बना रहे हैं। ये सभी अपने नाम कर लिया फैजाबाद हॉस्टल। कांग्रेचुलेशन ऑन ऑल नाम योर मेडिकल सक्सेस। इस कामयाबी दो मैच हार कर